हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो कब आपके कल के एमए सोशियोलॉजी एग्जाम के लिए, दैट इज MSO1 का जो आपका कल का एग्जाम है, यहाँ भी हम एक और टॉपिक कवर कर रहे हैं। वैसे ये टॉपिक के जो नोट्स मैंने बनाए हैं, ये मैंने फुल डिटेल एनालिसिस वाली, जो बुक की एनालिसिस वाली वीडियो है उसके लिए बनाए हैं, वहां भी मैं इसे अगेन अपलोड कर दूंगी। बट यहाँ भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आई विल ऐड इट इन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला जो आपका प्लेलिस्ट है वहां पे। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर इज सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। क्वेश्चन आता है, मीनिंग पूछा जाता है, मल्टीपल टाइम खैर इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके पास एक कंटेंट और माइंड में इसकी क्लियरिटी की, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, ये एग्जैक्टली है क्या, ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी क्या है, तो इन 1966 सोशियोलॉजिस्ट पीटर बर्गर एंड थॉमस ल्यूकमैन रॉट अ बुक कॉल्ड द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। फर्स्टली थोड़ा सा बैकग्राउंड सेटअप करेंगे, मीनिंग की बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बनाना, राइट। तो किस तरीके से चीजें बन रही हैं इन अ सोसाइटी, सोशल लेवल पे। सोशल मतलब किससे रिलेट करता है, सोसाइटी से। सोसाइटी किससे मिलके बनी है, आपसे और हमसे, मतलब ह्यूमन बीइंग से मिलके बनी है। तो यही चीज है, सोसाइटी इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन एंड ह्यूमन इंट्रैक्शन। ह्यूमन से मिलके बनी है और ह्यूमन के इंट्रैक्शन से मिलके बनी है, विच दे कॉल्ड हैबिचुअलाइजेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम हैबिचुअलाइजेशन बोलते हैं। अब हैबिचुअलाइजेशन क्या बताता है, इट डिस्क्राइब हाउ एनी एक्शन That is repeated frequently, एक काम जो बार बार किया जा रहा है, become cast into a pattern, वो pattern बन जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर इसी एक ही तरीके से काम हो रहा है, for example एक बच्चा सेम ही score बार बार ला रहा है, तो हम बोलते हैं कि यही pattern set हो गया है। This is the pattern। अगर कोई चीज repeatedly हो रही है तो एक time पे, जैसे आपने जो maths था उसमें आप लोगों ने आपका chapter होता था इस तरीके से figures वाला, जिसमें pattern की बात की जाती थी, तो वो जब repeatedly same चीज बार बार हो रही है, तो that will become a pattern। Which can be performed again and again in the future in same manner and with the same economical effort. उसी तरीके से वो काम किया जाएगा और जो monetary चीज है, जो monetary term amount है kind of, वो भी उतना ही उस चीज में लगेगा। Then after we'll see कि social reality is the capacity of society to develop different ways of looking at the constituents of the visible aspect of reality. एक चीज जो हमारे पास present है उसके बारे में, या उस पर्टिकुलर चीज को लेके हमारी क्या ओपिनियन है, किस तरीके से हम उसको ओवरलुक कर रहे हैं, किस तरीके से हम उसे देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक चोर है, चोरी कर रहा है, ठीक है, चोरी करके वो भाग रहा है, एक पर्सन उसे कह रहा है दिस इज टोटली रॉन्ग, पकड़ो और मार दो, जेल में डाल दो, कड़ी से कड़ी सजा दो, बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दो। दूसरा इंसान ऑब्जर्व कर रहा है कि ये चोरी क्यों कर रहा है, वो चोरी कर रहा है क्योंकि उसके घर पे उसका जो बेटा है वो बहुत ही ज्यादा बीमार है और उसको बहुत अर्जेंटली मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। एंड दैट पर्सन डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ जॉब, उस पर्सन के पास कोई भी जॉब अवेलेबल नहीं है, तो उसके पास मजबूरी में कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि अगर वो ये काम नहीं करता तो उसके बच्चे की जान पे बात आ सकती थी। तो यहाँ पे आपने सेम सिचुएशन को डिफरेंट एस्पेक्ट से देखा और आप वहां पे थोड़ा सा लिबरल हो गए, आपने वहां पे जो पनिशमेंट थी लीगल टर्म्स में, आपने उसको सोशल टर्म्स में, एथिकल टर्म में, मॉरल टर्म में जोड़ने की कोशिश, लिंक करने की कोशिश की। तो वही सोशल यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो कि आप एक ही चीज के डिफरेंट आउटलुक से उसको देख रहे हो। मेंबर्स ऑफ एनी सोसाइटी लिव बाय सर्टेन बिलीव्स एंड प्रिंसिपल। हम सोसाइटी में जो रह रहे हैं, हम कुछ बिलीव्स और प्रिंसिपल्स को मान के चलते हैं, ठीक है। हर किसी के अपने बिलीव्स एंड प्रिंसिपल हो सकते हैं, वेरी करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल रिलीजन के बेसिस पे अलग बिलीव एंड पैटर्न है, किस तरीके से फेस्टिवल मनाना है क्या पैटर्न रहेगा। कास्ट के बेसिस पे है, मैरिज के फॉर्मेट ले लो कि एक सर्टेन फॉर्मेट में मैरिज अलाउड है, ये वो, ठीक है। तो हर पर्टिकुलर चीज के अपने अलग ग्रुप के सोसाइटी में प्रिंसिपल्स और पैटर्न है। देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन ईच जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्वियस बात है, जो हमारे पेरेंट्स फॉलो कर रहे थे हम आज फॉलो नहीं कर रहे हैं। कुछ बेसिक एग्जाम्पल ले लो, लाइक इन पर्टिकुलर डेज पे सर नहीं धोया जाता है, ये खा के बाहर नहीं जाना है, बेसिक सी चीजें बता रही हूँ मैं, छोटी मोटी चीजें। मैरिज को लेके इंटरकास्ट मैरिज नहीं अलाउड थी, लव मैरिज वाज अ टैबू एट दैट टाइम, बिल्कुल, मतलब कि अरेंज मैरिज एक पैटर्न सेट था अरेंज मैरिज का। तो ये सब चीजें पहले अलाउड नहीं था। आप सुनते हो ना कि हम तो देखने भी नहीं गए थे आपकी दादी को या आपकी मम्मी को, फॉर एग्जाम्पल, जिससे भी आपने सुनी हो ये बात, लेकिन आजकल चीजें बिल्कुल बदल चुकी हैं। तो ये जो पैटर्न है, ये जो चीजें हैं, बिलीव्स हैं, पैटर्न्स हैं, ये फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इसमें शिफ्ट देखने को मिलता है। इन मेनी सोसाइटी द वर्जन ऑफ रियलिटी इज नॉट अ सिंगल मोनोलिथिक कंस्ट्रक्ट, सिर्फ एक ही चीज को लेके नहीं है, बट कंस्ट्रक्ट ऑफ सेवरल लेयर, इसमें बहुत सारी चीजें, मैंने भी एग्जाम्पल लिया, तो इट इज अ कंस्ट्रक्ट ऑफ सेवरल लेयर। देयर आर मल्टीपल साइंक्रोनिक रियालिटीज, अलग अलग एक चीज की अलग अलग रियालिटीज हो सकती है।
देयर आर प्लूरल इंडीड मल्टीपल रियलिटी सिस्टम अवेलेबल फॉर अस टू ऑब्जर्व इन अवर डेली लाइफ. अपनी डेली लाइफ में भी हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व करें तो हमें उसके मल्टीपल जो रियलिटी के मल्टीपल पैटर्न है या रियलिटी के आपके मल्टीपल सिस्टम है वो देखने को हमें मिल सकते हैं. इट टोटली डिपेंड अपॉन आवर ऑब्जर्वेशन, हम किस नजरिए से उसको देख रहे हैं. ईच जनरेशन ब्रिंग्स विद अ होल लॉट ऑफ परसेप्चुअल एक्सपेक्टेशन एंड अ मिनिमम एक्सेप्टेबल मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब मतलब कि सबकी अपनी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, इच्छाएं होती है कि भाई हम लिबरली घूमे, हमें फोन चलाने को मिल जाए टाइम से, ठीक है. प्लस आज के टाइम पे इतनी लिबर्टी मिलनी चाहिए कि हम ओपनली कह सके कि भाई हमें फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाना है, हम डिस्क जा रहे हैं, हम पब जा रहे हैं. ये बहुत पीपल क्या करते हैं, आजकल की जनरेशन की एक्सपेक्टेशन की बात कर रही हूं मैं, ठीक है. हमने दो तीन हमने देख लिया कि भाई कितना रील्स बना के और टिकटॉक पे वीडियोस बना के फेमस होना बहुत ही आसान है, तो वी बिकेम की एक्सपेक्टेशन हाई कर ली कि नेक्स्ट टीवी सेलेब हम ही बनने वाले हैं. तो ये एक एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत हाई कर लेते हैं लोग. एफर्ट्स मल्टीपल, ऐसा नहीं होता एक दिन में सक्सेस होती है. आप एक्सपेक्टेशन बहुत हाई कर लेते हो, या तो आप उस लेवल की हार्डवर्क नहीं कर पाते हो, या फिर समटाइम वो चीज आपके लिए बनी ही नहीं है जिस जगह आप उतना एफर्ट करो, बिकॉज यू आर नॉट गुड इन दैट. आप हो सकता है किसी और चीज में बहुत अच्छे हो जिसे आप अब तक पहचान नहीं पाए हो. तो ये चीज यहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हर जनरेशन के पास बहुत सारी चीजों को लेके अलग अलग तरीके की एक्सपेक्टेशन होती है. लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं, आज की डेट में देखो हर किसी को अमीर बनना है, हर किसी को पैसा चाहिए. पैसा चाहिए वो अपने ऊपर खर्च करने का टाइम है किसी के पास, जब तक टाइम आता है तब तक आपका टाइम दुनिया से ओवर हो चुका होता है. तो वो चीज, वो जिंदगी जीना, आप लोगों के साथ बैठना, लोगों को जानना, लोगों को समझना, वो नहीं हो रहा है. लोगों को भागना है, चकाचौंध की दुनिया है, फेमस होना है, पैसा कमाना है, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, एक आ गई तो दूसरी चीज चाहिए. ऑल दीज थिंग आर मटेरियलिस्टिक. भाग रहे हैं, अपने ही परिवार से अलग रह रहे हैं, सुबह से रात तक बाहर है, रात में आके थक के चूर हो गए हैं बिल्कुल, घर पे बात करने का टाइम नहीं है. तो ये सब क्या है, चार लोगों के साथ हम लोग शाम को आराम से बैठे, शाम रात व्हाटएवर विल बी द टाइम. आई एम नॉट सेइंग कि जॉब छोड़ के या काम छोड़ के बैठ जाए, उससे भी काम चल जाएगा, नहीं. लेकिन जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं, और चाहिए और चाहिए और ज्यादा चीजें चाहिए, उसके बाद उन और ज्यादा चीजों को एंजॉय हम नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है. तो दिस इज द थिंग. फर्दर अगर हम लोग देखें तो सोशल रियलिटीज जो होती हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी की बात करें तो सोशल रियलिटी ये क्रिएट की जाती हैं एज सून एज द न्यू मेंबर ऑफ सोसाइटी आर रेडी फॉर अ पर्टिकुलर इम्प्रिंटिंग. जैसे ही नया मेंबर जो है, अब एक बच्चा एक घर में है, उसे बता दिया गया आपकी ये कास्ट है, हमारे घर में इस तरीके से काम होने हैं, आपको ऐसे करना है, इतने बजे तक घर आ जाना है, ये चीज नहीं करनी है, आपको इस तरीके से पढ़ना है, हमारे घर में सबने साइंस लिया तो आपको साइंस देनी है. तो सम जो कुछ चीजें होती है कई बार वो इम्प्रिंट कर दी जाती है, छाप दी जाती है कि आपको यही जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, वो फॉलो करना है. एरियाज लाइक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल पुट टुगेदर टू ट्रेन न्यू जनरेशन. हर चीज को साथ में रख के उन्हें ट्रेन किया जाता है. रियलिटी इटसेल्फ इज फ्रेगाइल. रियलिटी खुद फ्रेगाइल है, मतलब जो आप रियलिटी बोलते हो ना, उस रियलिटी को भी इजीली तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, ठीक है. जिस चीज को आप रियलिटी कह रहे हो दैट इज नॉट रियलिटी, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, मतलब अपने कुछ किस तरीके से आप सामने वाले को शो कर रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो, सिचुएशन क्या है, उस अकॉर्डिंग वो चीजें चेंज की जा सकती हैं. सोशल ब्रेकडाउन विच ऑकर इन इंट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉर. तो जैसे कि वॉर हुआ, अभी रशिया यूक्रेन का एग्जांपल देखें, हम वॉर चल रही है तो जिस तरीके से लोग अलग हो रहे हैं, जिस तरीके से सिचुएशन में सोशल ब्रेकडाउन हो रहा है, ये तुरंत नहीं ठीक होता, इट विल टेक टाइम टू रिकवर. आप यूक्रेन में कितना डैमेज हुआ है, कितनी प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, लोग मरे हैं, फैमिली पता नहीं अलग अलग हो गई है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ पहुंचा हुआ है. तो दिस विल टेक टाइम टू रिकवर, इसको ठीक होने में टाइम लगता है. आई एम टेकिंग द एग्जांपल ना चीजें आपको क्लियर करने के लिए. कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड फ्रॉम नेशन टू नेशन. स्टार्टिंग में बताया मैंने, ऐसा नहीं है हर जगह सेम पैटर्न सेम चीज फॉलो होगी. कुछ चीज आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट, मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल स्टैटिक नहीं है कि ऐसा हो गया तो इसी पैटर्न में चीजें होंगी. ये दिस थिंग्स कीप्स ऑन चेंजिंग. तो उस बेसिस पे जो रियालिटीज होती है ये कॉन्टिन्यूसली क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है. देयर इज अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल क्रिएटेड बाई डिफरेंट कास्ट. अलग अलग कास्ट ने अपना अपना लाइफ स्टाइल क्रिएट कर रखा है. सबकी अपनी प्रॉपर आइडियोलॉजी है और एक बेसिक इंट्रैक्शन. आज की डेट में हम कितने सारे लोगों से डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करते हैं, तो अलग अलग क्लासेस, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन, डेली बेसिस पे हमारा डिफरेंट डिफरेंट जो है इंटरेक्शन अलग अलग सबसे होता है. टू कंस्ट्रक्ट सोशल रियालिटी,
सोसाइटी टेक रिसोर्सेज टू बोथ सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन एंड कंटिन्यूस टू कंट्रोल द इंडिविजुअल एंड ब्रिंग सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। घर पे पेरेंट्स सिखाते हैं बी लिटिल बिट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, अपना मेन डोर है तो लॉक करके रखो, किसी से भी ऐसी रेंडमली मत बात कर लिया करो, कोई भी बाहर का इंसान कुछ ऑफर कर रहा है डू नॉट ईट दैट, स्कूल से सीधा घर आओ, एक बेसिक चीजें आपको सिखाई जाती हैं, ठीक है, अपना बैग खुद पैक करके रखो, यूनिफॉर्म खुद से प्रिपेयर करो अपने लिए, तो एक बेसिक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको घर पे सिखाई जा रही है, स्कूल में आपको एजुकेशनल एंड डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको प्रिपेयर करा जा रहा है, ठीक है। तो दीज ऑल थिंग्स आर किसमें आती है, सब सोशलाइजेशन में आती है, कि एक सोशलाइजेशन और सेंस ऑफ रियलिटी जो है वो स्टार्टिंग से ही इनकलकेट करने की कोशिश जो है वो की जाती है। जो हमारी रियलिटीज है और एक्सपीरियंस है ये कौन क्रिएट करता है, इसे ह्यूमन बींग्स और कम्युनिटी क्रिएट करती है। तो आई होप ये कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी का कंसेप्ट समझ में आया होगा, इसके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे, बेसिक मीनिंग आया होगा समझ में, और कुछ कंटेंट मीनिंग और इंट्रोडक्शन का आप लोगों के पास पहुंच गया होगा कि व्हाट पॉइंट्स यू कैन राइट इन योर एग्जामिनेशन। आई विल प्रिपेयर अ पीडीएफ ऑफ दिस एंड जस्ट शेयरिंग द पीडीएफ इन द टेलीग्राम ग्रुप, आप लोग इसको थोड़ा सा रिटेन कर सकते हो, अपने माइंड में रख सकते हो, प्लस इसमें और किस तरीके से क्वेश्चन आया है क्या और पॉइंट्स किस तरीके से आप इसको स्टार्ट एंड कर सकते हो, आई चेक दैट एंड आई अपलोड द ऑडियो और द वीडियो इन द next few hours. So that's all for this video. Thank you for watching.